लिसन, तुम जानती हो कि तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हारे साथ सिंसेयर नहीं हैं, तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेते, तो तुम मोहताज क्यों नहीं हो जाती? मोहताज तुम्हें होना चाहिए। वो जिससे तुम अभी लड़ रहे थे ना, रिश्तेदार है हमारा, तो अब तुम मोहताज रहो भाई। अरे तो क्या करूं मैं? यार तुम्हारा मसला क्या है? जो काम करने आए वो करो ना, सुकून से चलते बनो। हाँ, चाहे तुम खतरे में क्यों ना हो। मैं हूँ कौन तुम्हारी, पहले ये बताओ। मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है, समझे? और वो रही बात सलमान की, तो वो मैंने ही उसे कहा था कि भाई वहां जाके किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, पता नहीं किस किस्म के लोग होंगे, बस चुपचाप निकल लेना। अच्छा, मतलब तुमने कह दिया और मैं मान गया? हाँ, झूठ बोल रही हो तुम। मुझे क्या जरूरत है तुमसे झूठ बोलने की? हाँ मैंने ही उसे कहा था, और वो मेरी बात माना था इसलिए, क्योंकि देखो दूसरा शहर है, यहाँ जाके हम किसी से लड़ेंगे, एमवी में पता नहीं किस किस्म के लोग हैं, कोई बंदूक निकाल लिया, कोई किसी भी किस्म का खंजर निकाल लिया, तो मसला हो जाएगा ना। ओह माय गॉड, इतनी सफाई से तुम झूठ बोलती हो। पता, अगर तुम लॉयर होती ना तो बहुत कामयाब रहती। हेलो, कौन सी कामयाबी की बात कर रहे हो तुम? देखा नहीं, ऑलरेडी बहुत कामयाब हूँ मैं, सब कितना प्यार करते हैं मुझसे, लगता है भूल गए हो तुम। चलो, तुम जाओ, तुमसे बहस करना ही बेकार, हटो। पागल लड़की चले सड़क पर खड़ी रहेगी। कैसी लगी? Isn't she a beauty? बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। स्वीटहार्ट, बच्चों की जरूरत नहीं देखी जाती, कंफर्ट भी देखा जाता है। मॉम, मेरे कंफर्ट के लिए मेरे पास गाड़ी है। कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रही। हाँ जुनेद डैड से मिलने गए हैं। एग्जैक्टली माई पॉइंट, यू कैन नॉट मूव विदाउट हिम। अच्छा आइए ना, मैं आपको चाय पिलाती हूँ, बैठिए। कुछ पता है कि जुनेद को तुम्हारी डैड ने क्यों बुलाया था? नहीं मुझे नहीं पता, आता तो पूछ लेती हूँ। कुछ तो बताया होगा। चाय सलार के बारे में? फॉर एग्जाम्पल व्हाट? कोई कांटेक्ट हुआ जुनेद का सलार से? आई डोंट नो। ओके, कुछ और भी लेना आप? नहीं नहीं बस, थैंक यू सो मच। वो नहीं बताएगा किसी को, कासिम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या नहीं बताऊंगा, और मैं कैसा नहीं हूं? बाद बात करता हूँ। कुछ भी नहीं, वो तुम्हें याद है वो लड़का सलार? अच्छा, वो जिसकी वजह से इंसल्ट की थी? इंसल्ट नहीं हुई थी, समझाया था इनको, इनको पिटने से बचाया था मैंने। बचाया था? अच्छा कैसे? यार मैं बता रहा हूँ ना, प्लीज सबर करो और इस टॉपिक को यहीं पर खत्म कर दो। तो मेरे साथ आओ। हाँ लेके जाए इनको, और जब पता चल जाए ना तो आके मेरा शुक्रिया अदा कीजिएगा। अच्छा तो फिर आप ही बता दें कि इतनी इंसल्ट होने के बाद मुझे क्यों शुक्रिया अदा करना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको मार खाने से बचाया, इसीलिए। मार खाने से? और नहीं तो क्या, बहुत गुस्से वाला है वो, इतनी सी बात पे ना हाथ उठा लेता है। कल मार्केट में भी एक लड़के से भिड़ गया था, इतना मारा उसको, इतना मारा कि आपकी सोचोगे। उस फोटोग्राफर ने? जी, गरीब समझ के ना उसको कम मत समझना, उसके मुक्के में ना बहुत ताकत है। तुम कहाँ गई थी सितारा? मैंने कहाँ जाना है, मैं तो यहीं पे हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं एहतशाम भाई से बात कर रही थी। चलो अंदर जाके सबके साथ बैठो। जी आओ, मैं समझाता हूँ। हाँ हाँ यार, मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि सलार ऐसे इलाके में करने क्या गया है। उसे रहने के लिए कुछ दिनों के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए वो वहां चला गया। डैड आपने इमरजेंसी में बुलाया है, ऑल गुड, सब खैरियत है ना? ऑल गुड, सलार का पता चल गया है कि वो कहाँ है।
हैदराबाद में है। हैदराबाद? मेरे ख्याल में तुम फौरन जाकर उसको ले आओ। As in अभी, right now. क्यों? कोई प्रॉब्लम है? नहीं डैड, वो सबा की एक्चुअली अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो मैं कल चला जाऊंगा। कल तक उसने अगर कोई और प्लान कर लिया फिर क्या होगा? अरे नहीं नहीं शादी तक तो वो तो तुमने मुझसे झूठ बोला। डैड मुझे अभी अभी पता चला। और अभी अभी भी तुमने मुझे खुद नहीं बताया। डैड मैं रास्ते में था, ड्राइव कर रहा था जब उसकी कॉल आई है, और वैसे भी उसने जगह नहीं बताई मुझे। पूछोगे नहीं कि हमें कैसे पता लगा कि कहाँ है वो? कैसे? तुम्हारे फोन को टैप करके। Excuse me? मुझे तो यकीन था कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन सलीम थॉट कि वो जहां भी होगा सलार वो तुमसे कांटेक्ट जरूर रखेगा। डैड वो मुझ पे भरोसा करते हैं और मैं। अच्छी बात है, तुम किसी के भरोसे पर तो पूरे उतरे ना। खैर सलीम तुम जाओ, सलार शादी अटेंड कर ले तो उसको ले आओ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। नहीं तुम नहीं जाओगे, इसलिए कि मुझे अब तुम पर कोई भरोसा नहीं है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं सालार से वफादार। वफादार सिर्फ कुत्ते होते हैं। आप सालार को ले आइएगा। जुनैद आए, कोई कोई खास काम था? तुम काम के झंझट में क्यों पड़ती हो? जाओ जाकर अपनी शॉपिंग करो। हाँ मुझे एक काम करे, आप लोग जाए मैं बना लूंगी। हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक है, अब बच्चियां बना लेंगी, हमने बहुत बना लिया, सिखा दिया ना इनको। हाँ ठीक है, बस ये मैं आखिरी डाल रही हूँ। अरे आराम से आराम से।